अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। देखो वाटर बाकी लिक्विड्स की तरह नहीं है। बाकी लिक्विड्स या कोई भी लिक्विड के बारे में क्या बताया मैंने भी आपको कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल। लेकिन वाटर में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, और वाटर का टेम्परेचर अगर जीरो है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जबकि किसी भी लिक्विड का ऐसा होता नहीं है, इंक्रीज ही होता है, फैलता ही है वो। ये पहला लिक्विड है जो एक्सेप्शन है, ये डिक्रीज होता है। फिर 4 डिग्री के बाद ये नॉर्मल बिहेवियर शो करता है कि इंक्रीज हो जाता है। तो इसका बिहेवियर अजीब है केमिस्ट्री। तो इसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की वैल्यू पहले इसमें क्या होती है, कम होती है और फिर बढ़ती है। और फिर डेंसिटी का अगर ग्राफ आ जाए तो डेंसिटी इसमें पहले बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। ये ग्राफ याद करने हैं। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या फायदा हो रहा है और किसको फायदा हो रहा है। ये फायदा हो रहा है एक्वाटिक लाइफ को, जो मछलियां वगैरह या जो जो सी में रहती हैं। इसमें वो कह रहा है कि इसका फायदा किसी होगा, एक्वेटिक लाइफ को होगा। एक्वेटिक लाइफ कैसे, यार अगर मान लो बहुत ठंड पड़ जाए, -20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर ओशन है या कोई भी है, तो वो जम जाएगी। ऊपर से जमती है, नीचे से नहीं जमती। नीचे पानी रहता है और वार्म वाटर रहता है, ठीक टेम्परेचर का पानी रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। तो अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न थोड़ा आगे जाके स्टडी भी करेंगे। एक लाइन में बता देता हूँ, बर्फ़ जमती कैसे है, पानी है, एयर चलती है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेके भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। शायद केमिस्ट्री में किया भी हो आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स होती हैं और RMS स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसमें कुछ ऐसा होता है फिनोमेना कि एयर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो एनर्जी लेके भाग जाते हैं। अब जो हम कहते नहीं कि यार वो मॉलिक्यूल जो पानी के थे उनके साथ क्या हुआ, वो ठंडे हो गए बैठ गए, और ठंडे हो गए बैठने का मतलब कि उनका टेम्परेचर डाउन हो गया। फिर एयर के मॉलिक्यूल आते हैं, बची हुई एनर्जी फिर लेके भाग जाते हैं टॉप के सर, तो और ठंडे हो गए, करते करते यार उनकी बर्फ़ ही जम गई, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो ही जाएगी, उनकी हीट निकालते रहोगे वो ठंडे होते रहेंगे, टेम्परेचर डाउन होता रहेगा, अल्टीमेटली स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज हो गई। तो पहले पतली परत जमती है, फिर और हीट निकलती रहती है उसमें से, तो मोटी परत जम जाती है। अब इतनी मोटी हो जाती है जो आइस है, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अब अगर मान लो अंदर के पानी के मॉलिक्यूल से हीट निकालनी है एयर को, तो बीच में अब आइस की लेयर आ गई, अब आइस एक सॉलिड हो गया, तो वो कंडक्शन शो करेगा, तब जाके हीट है, तो मोटी दीवार क्रिएट हो गई, तो वो हीट निकल नहीं पा रही, निकलनी बंद हो गई। तो अगर हीट निकलनी बंद हो गई तो अब आइस का जमना बंद हो गया। तो इसलिए एक बार आइस जब जम जाती है एक लेयर में, उसके बाद ठंडा पानी होता है, फिर थोड़ा और गर्म हो जाता है, और गर्म, और नीचे जाके तो बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस पे ठीक पानी रहता है जैसा नॉर्मल होता है। तो जो मछलियाँ वगैरह है वो 4 डिग्री पे आराम से जिंदा रहती हैं, तो ठीक है, उनको कुछ नहीं होता, चाहे ऊपर -20 डिग्री सेल्सियस हो, कोई फर्क नहीं, नीचे वो बची रहती हैं। ठीक है, ये नेचर है, 4 रहेगा नीचे, 4 रहेगा, नहीं कहीं जगह 3 भी होगा, बर्फ़ के बाद जाओगे 1 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, ऐसे तो दूर चले जाना तो 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, रेलवे लाइंस आर लेड विद गैप टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन, तो रेलवे ट्रैक्स में वो जो गैप छोड़ा जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया, इफ द गैप बिटवीन रेल 66 मीटर लॉन्ग भी 3.63 सेंटीमीटर, तो लेंथ रेल की ट्रैक की गिवन है कितनी है और गैप छोड़ दिया। गैप का मतलब क्या है, जब गर्मियां होंगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैप भर जाएगा, तो ये क्या माना जाएगा, चेंज इन लेंथ, तो इंक्रीज इन लेंथ मानी जाएगी। तो यानी कि गैप का मतलब इतनी तो वो रेल जो है वो अपने लेंथ को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो एल गिवन है, डेल्टा एल गिवन है, एट 10 डिग्री सेल्सियस एक्सपेरिमेंट है। तो वो कह रहा है कि टेम्परेचर बताओ, विल दी लाइंस टच, दो लाइन जब टच कर जाएंगी, टच करने का मतलब डेल्टा एल पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 3.63, तो उस टाइम रेल का टेम्परेचर क्या होगा। तो अल्फा आपको गिवन है, तो आपको लेंथ ओरिजिनल गिवन है, डेल्टा एल गिवन है, अल्फा गिवन है। तो एल डैश क्या होता है, जो डेल्टा एल हमने फॉर्मूला करवाया था, डेल्टा एल क्या होता है,
एल एल्फा डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी निकाल लेना, डेल्टा एल पता है, एल पता है और एल्फा पता है, डेल्टा टी आ गया। जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी वो क्या होता है, पी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू कितना 50। तो आपको नया टेम्परेचर निकालना है यानी कि टी वन प्लस 50। तो टी वन कितना था गिवन, कितना 10, तो 10 प्लस 50 नया टेम्परेचर कितना है 60। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? ब्लैकस्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ अ वुडन व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट। ये लो, वो कह रहा है कि ये रिम है, ये व्हील का रिम है, रिम सरकमफ्रेंस है, रिम है, और एक रिंग है, रिंग। तो मैं क्या चाहता हूं, एक रिंग को रिम पे चढ़ाना चाहता हूं, रिंग को रिम पे चढ़ाना चाहता हूं, सरकमफ्रेंस पे व्हील के रिम पे चढ़ाना चाहता हूं, इसकी बाउंड्री पे चढ़ाना चाहता हूं। आगे वो कह रहा है कि जो डायमीटर ऑफ रिम एंड रिंग, तो रिम का डायमीटर गिवन है और रिंग का डायमीटर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि जो रिम है उसका सर्कमफ्रेंस, वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रिम का सर्कमफ्रेंस यानी कि व्हील का सर्कमफ्रेंस मान लो 10 मीटर है, रिंग जो है वो मान लो 8 मीटर की है, तो छोटी रखी जाती है, गर्म की जाती है, तब जाके वो 10 बनेगी, तब चढ़ेगी। तो रिंग 8 मीटर की है और रिम 10 मीटर का है, तो रिंग को गर्म करेंगे तो रिंग की इंक्रीज इन लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। भाई 8 से 10 बनेगा तभी ना, तो आप कैसे कर रहे हो कैलकुलेट, आप रिम के सर्कमफ्रेंस में से रिंग के सर्कमफ्रेंस को माइनस कर रहे हो ताकि वो रिम जितना हो जाए, एग्जैक्टली वही है। तो आपको रिम और रिंग की डायमेंशंस गिवन है, इनको माइनस करोगे तो चेंज इन लेंथ दे देगा आपको, ठीक है यहां तक? टू व्हाट टेम्परेचर शुड रिंग बी हीटेड ताकि वो रिम के ऊपर फिट हो जाए? तो अगर फिट हो जाए तो यानी कि इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो एक लेंथ छोटी वाली जो है वो L1 है और जो बड़ी वाली है वो L2 है, और आपको टेम्परेचर 27 गिवन ही है, तो L2 और L1 का फॉर्मूला लगा के L2 इज L1 1 प्लस अल्फा इनटू T2 माइनस T1 लगा के, तो आपने क्या निकाल लिया, T2 माइनस T1, L2 पता है, L1 पता है, L1 पता है और अल्फा पता है। तो सॉल्व करके क्या आ गया, T2 माइनस T1, तो T2 क्या होगा 191 प्लस T1, तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा 218, सेम ही क्वेश्चन है। तो आप चेंज इन लेंथ कर लोगे तो आपके पास अपने आप डेल्टा एल की वैल्यू आएगी, डेल्टा एल से डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी से टी टू आ जाएगा, सेम क्वेश्चन हो जाएगा जो उससे पहले वाला किया था। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो। इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन है अ क्लॉक विद आयरन पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, How much will it lose or gain if temperature changes to 40 degree Celsius? और alpha gamma आपको given है, ठीक? देखो एक point को समझ लो पहले, ये जो pendulum की बात कर रहा है तो time period का formula 2 pi root L by G, NCERT की solved problem है ये, thermal expansion के chapter की, NCERT वाले भी देते हैं, आपके school के exam के अंदर आ सकते हैं, numerical standard है, बहुत famous है। इसके साथ साथ ये example मेंस में कई बार आया हुआ है और नीट में कई बार आया हुआ है, तो मतलब आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स में बहुत कॉमन मिलेगा। मैंने इसको लंबा किया हुआ है, हम इतना लंबा करेंगे नहीं, हम दो लाइन में खत्म करेंगे इसे, ठीक? शॉर्टकट ढूंढेंगे सीधा, शॉर्टकट क्या, एक्चुअल मेथड सही मेथड है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आपने कितना कर दिया, 40 कर दिया। पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आपने टेम्परेचर 20 से 40 कर दिया तो आपका टाइम लूज होगा, चलो आपका पेंडुलम स्लो चलेगा कि फास्ट चलेगा, बस ये बता दो। आप इतनी फास्ट कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्लो चलेगा, तो हैरान हूं, एक सेकंड में स्लो बोल दिया। मैं तो क्वेश्चन अभी पुट भी नहीं किया, मैंने कहा टेम्परेचर 20 से 40 कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या आपका पेंडुलम स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा? अच्छा, फिर मैंने दोबारा जोर डाल के पूछा तो आधी जनता कह रही है फास्ट बोल देते हैं, स्लो की फास्ट, ओके। लॉजिक, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ने से घड़ी तेज चलेगी कि स्लो, टाइम पीरियड बढ़ने से
पेंडुलम तेज चलेगा कि फास्ट? टाइम पीरियड बढ़ गया, आंसर स्लो। देखो सपोज एक पेंडुलम एक चक्कर एक सेकंड में पूरा करता है, टेम्परेचर बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, अब वो 3 सेकंड में पूरा कर रहा है। टाइम पीरियड बढ़ गया, स्लो नहीं हो गया? भाई तुमने दिल्ली जाना है, 4 घंटे में दिल्ली आती है, और अब मैं कह रहा हूँ 7 घंटे में आएगी, तो गाड़ी तेज चल रही है कि स्लो? भाई टाइम पीरियड बढ़ेगा तो गाड़ी तो स्लो ही हो जाएगी ऑब्वियसली, तो यही हो रहा है। तो आपकी घड़ी क्या हो गई है? स्लो हो गई है। ये बहुत पूछा जाता है और बहुत लोगों को पता नहीं होता, वहाँ पर टी बढ़ गया तो हाँ मूव फास्ट, तो उल्टा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आपके टेम्परेचर बढ़ने से आपका टाइम पीरियड स्लो हो जाएगा, पहला पॉइंट। अब वो ये पूछेगा फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड क्या होगा, पूछा नहीं उसने, पूछ सकता है। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड बोलो क्या होगा, डेल्टा टी बाई टी क्या होगा इसमें? डेल्टा टी बाई टी का मतलब है, लिख लेना जो मैं लिखवाऊंगा अभी, डेल्टा टी बाई टी का मतलब है कि जैसे टेम्परेचर कितना था 40 हुआ, टेम्परेचर कितना हुआ 20, पहले कितना था 20, ये बताओ कितना होगा। दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड कितना होगा जब मैंने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कितना कर दिया 40। ठीक, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, क्या मैं ये लिखूं, ये मुझे ये निकालना है, इन अदर टर्म्स मुझे डेल्टा टी बाई टी निकालना है, कोई डाउट इसमें? तो इसको करने का एक आसान तरीका ये है, आप लिखें टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। इसके अंदर आप एरर्स का रूल लगा दें। एरर्स का रूल में क्या था, डेल्टा टी बाय टी 2 पाई को लेना नहीं है, जी कांस्टेंट है, अंडर रूट का हाफ डेल्टा एल बाय एल, राइट? तो लगा दिया एरर का रूल लगा दिया, डेल्टा टी बाय टी इज हाफ, डेल्टा एल क्या था, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी बाय एल, आज हमने फॉर्मूला किया था डेल्टा एल का, तो एल से एल क्या हो गया कैंसल, तो डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी बाय हाफ। तो ये क्या आ गया आपके पास फ्रैक्शनल, एक ना काम करना पड़ेगा इसमें, सॉरी इसमें ना ये टाइम है और यहां पर ना डेल्टा थीटा कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी, डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर, टाइम पीरियड हो गया ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम पीरियड चल रहा है वो टेम्परेचर है डेल्टा थीटा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, जैसे मान लो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा थीटा कितना है 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, डेल्टा टी बाय टी सॉल्व करके कितना आएगा 10 अल्फा, सीधा आ गया डेल्टा टी बाय टी 10 अल्फा। समझ में आ रहा है यहां तक? उसके अंदर जो मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ उसमें बाइनोमियल्स यूज हो रही हैं, यूज करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर आ गया। चाहो तो वैसे फॉर्मूला याद कर, फॉर्मूला चलो याद कर नहीं पाओगे एक साल तक, कौन याद रखेगा, एरर का रूल ही ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला बड़ा सही है, डेल्टा थीटा पुट करते जाओ आंसर आ जाएगा, नहीं तो ये ठीक है एरर का रूल लगा के आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन लिखा है उसकी जगह ये लिख लो, वो सॉल्यूशन फॉलो नहीं करेंगे।
ठीक है। तो देखो, मैंने जो सॉल्यूशन किया उसमें थोड़ा लंबा किया, बाइनोमियल लगाया, फिर मेरा आंसर इन द एंड वही आया, टेन अल्फा। मेरा मैंने टेन अल्फा प्रूव किया, टेन अल्फा सही आ गया। अल्फा आपको गिवन है, यहाँ से आंसर आ गया, डेल्टा टी बाई टी आ गया एक आंसर। तो टाइम लूज होगा या गेन होगा, तो इसमें क्या होगा लू? अब देखो मैंने क्या बताया, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपका पेंडुलम तेज चलेगा फास्ट या स्लो, तो आपने बोला स्लो। तो स्लो चलने में लॉस होता है कि गेन होता है? लॉस ही होगा, और टाइम में लॉस ही तो कर रहे हो, तो इसलिए वो साथ में पूछेगा कितना लॉस हो रहा है। तो लॉस फ्रैक्शनल लॉस कितना हो रहा है, इतना फ्रैक्शनल लॉस हो रहा है। वो पूछेगा पूरे दिन में कितना लॉस हो रहा है, अगर फ्रैक्शनल लॉस एक टाइम पीरियड में इतना हो रहा है, पूरे दिन में कितने सेकेंड्स हैं 24 आवर में, 24 × 3600 मल्टीप्लाई कर दो, पूरे दिन का लॉस आ जाएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, यहां तक आंसर माना जाएगा, कोई डाउट इसमें? ठीक। डेंसिटी रो, मास एम, वॉल्यूम वी, और डेंसिटी का फॉर्मूला वो कह रहे हैं एम बाई वी है, क्या निकालना है आपको? गामा प्रूव करना है, ये होगा, एक ही स्टेप है इसमें देखने वाला। डेंसिटी लिखो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को ऊपर ले जाओ। मुझे इस पूरे रिलेशन में एक ही चीज नजर आ रही है, डी रो बाय डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो एक काम करो, दोनों साइड को टेम्परेचर से डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको भी कर दो और इसको भी कर दो, तो आ गया ना डी रो बाय डी टी। इसको करोगे तो मास तो कॉन्स्टेंट है, इसमें माइनस वन वी रेज टू पावर माइनस टू इन टू डी वी बाय डी टी। तो यहां से डी रो बाय डी टी माइनस एम वी नीचे आ गया डी वी बाई डी टी, वी स्क्वायर को ब्रेक कर लो, वी इन टू वी, वी इन टू वी, मास बाय वॉल्यूम क्या है डेंसिटी, और ये टर्म को क्या लिखते हैं गामा, आज किया था तो डेंसिटी इन टू गामा। तो बस ठीक है, डी रो बाई डी टी माइनस रो इन टू गामा, तो गामा क्या होगा माइनस रो भी इधर ले जाओ आंसर, ये प्रूव करना था आंसर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है आपको। तो इसके अंदर आपने डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, दोनों साइड्स को डी टी डी टी से डिवाइड और डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्यों किया, क्योंकि डी रो बाई डी टी चाहिए था। तो मास कॉन्स्टेंट है, वी की पावर माइनस वन की डिफ्रेंशिएशन माइनस वन, वी की पावर माइनस टू डी वी बाई डी टी। तो इसको ठीक तरह करके लिखा, वी स्क्वायर को ब्रेक किया, वी इन टू वी, ये रो है और ये गामा है, रो इन टू गामा आंसर।